हेलो नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर में हमारा चौथा लेक्चर है प्रीलिम्स 2018 के लिए। तो देखो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर का रिविजन है इन्वायरमेंट का, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है मेंढक की नई स्पीसीज के बारे में। तो देखो आपको दो तीन चीज़ बता दूँ, थोड़ी हैंड राइटिंग वगैरह का थोड़ा इशू इसलिए है कि देखो अभी एग्जाम भी आ रही है तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि ढंग से नोट्स बनाए जा सकें। तो ये केवल रनिंग नोट्स है, तो आपको केवल रिविजन के लिए, रिविजन के पर्पज से मैं इन सबको बना रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो भी स्पीसीज वगैरह ना, इनके आपको नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई मेंढक की कौन सी नई स्पीसीज है जो कि खोजी गई है, क्योंकि नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो बेटर होगा कि आप केवल ये ध्यान रखें कि भाई जैसे मेंढक की स्पीसीज कौन से वाले एरिया में पाई गई है, इंडेमिक है नहीं, कुछ उसके बेसिक फीचर्स हैं वो आपको थोड़े ध्यान में होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब डिस्कशन। सबसे पहली बात है कि मेंढक की दो नई स्पीसीज हैं वो खोजी गई हैं कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, और ये इंडेमिक है, मतलब वेस्टर्न घाट वाले एरिया में ये स्पीसीज वो पाई जाती हैं, इसके अलावा किसी और वाले एरिया में नहीं पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई रिसेंटली मेंढक की नई स्पीसीज वो खोजी गई हैं तो कहाँ खोजी गई हैं, तो हमें ध्यान रखना कि वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अगले जो न्यूज़ है वो है कि केचू की भी दो नई स्पीसीज हैं वो पाई गई हैं। केचू को एक्चुअली इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं, तो उसकी नई स्पीसीज हैं वो पाई गई हैं साउथ में, केरला के अंदर ही, एक्चुअली द्रविड़ा के नाम से वो रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केचू की नई स्पीसीज हैं वो केरला में पाई गई हैं, और जो मेंढक की नई स्पीसीज है जिसका नाम है नरिका बाथरूस भूपति, वो पाई गई है वेस्टर्न घाट में, वो एंडेमिक है, और यहाँ पे एंडेमिक का कोई सीन है वो नहीं है। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो ये हनी मिशन के बारे में, तो देख लेते हैं हनी मिशन। देखो हनी मिशन का मेन मोटो है कि शहद का जो प्रोडक्शन है हमारे देश में वो बढ़ाया जा सके, ताकि हमारे देश में शहद वगैरह का एक्सपोर्ट करके काफ़ी जो अर्निंग वगैरह है वो की जा सके, और लोगों की आजीविका भी हो सिक्योर होगी इससे, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी किसके द्वारा ये मिशन चलाया गया है? यह मिशन चलाया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, इसको इम्प्लीमेंट है वो किया गया है KVIC के द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हो जाता है कि खादी जो हनी मिशन है उसके बारे में, क्योंकि देख के नाम पता नहीं चलता कि भाई KVIC के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया नहीं किया गया। देखते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो के पक्षी की ये स्पीसीज हैं ये इंडिया में एक्चुअली पुलिकट लेक वाले एरिया में पाई गई है, तो उसके बारे में एक आर्टिकल आया था। तो ये थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से वाले एरिया में पाई गई है, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके की बेसिक चीज़ें वो पूछ लेती है कई बार एग्जाम वगैरह में। ये इस तरीके का पक्षी है जो कि अभी मेनली पुलिकट लेक वाले एरिया में मेनली पाया गया है। और ये कौन कौन से एरिया में पाया जाता है? ये पाया जाता है इंडिया वाला जो एरिया हुआ कॉन्टिनेंट, इस वाले में, इसके साथ अफ्रीका हुआ, मिडिल ईस्ट और साउथ जो यूरोप है उस वाले एरिया में ये केवल पाया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से एरिया में मेनली पाया जाता है, एक पक्षी की स्पीसीज है। देखते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वही है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जारी करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जिसको जारी करता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 गैसेज होती हैं। अब कौन कौन सी 8 गैसेज हैं इस पर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है, दोबारा भी चांसेस पूरे पूरे बनते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले एरिया में और हमारे देश में आज के टाइम पे पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है कि कौन कौन सी, एक तो आती है PM 2.5, एक आती है PM 10, तो दो तो है PM वाली गैस, पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10। इसके बाद में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बाद में आती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद में आती है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद में ओजोन आती है, यहाँ पे अमोनिया आती है, और यहाँ पे PB आता है, लेड आता है। यहाँ पे कंफ्यूज किसी चीज़ के लिए नहीं होना है, कंफ्यूज ये नहीं होना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं आती है, CO ही आती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ही केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स में आती है, बाकी CO2 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि CO2 है ना वो एक्चुअली पोल्यूशन इतना नहीं फैलाती है, CO2 मेनली ग्रीन हाउस गैस है। तो ये चीज़ हमें आप पता होना चाहिए कि CO2 कौन से UPSC ऐसे स्टेटमेंट वगैरह में, सॉरी जो ऑप्शन वगैरह में देखे CO2 में हमें कन्फ्यूज कर सकती है, तो हमें ध्यान रखना है। ओजोन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूड होती है। तो ये चीज़ 8 गैस हैं वो आपको ऐसी कैसी लाइन बाई लाइन है वो याद कर लेना। इसके साथ ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या करता है कि 6 इंडिकेटर बना रखे उसने, मतलब 6 कलर के ग्रेड बना रखी हैं, जैसे कि रेड हुआ तो बहुत खतरा हुआ, तो इस तरीके से 6 कलर की ग्रेड है, उसके आधार पे जो पोल्यूशन है उसको दर्शाया जाता है कि भाई पोल्यूशन कैसा है। तो ये देखते हैं अब आगे। अगला जो आर्टिकल हुआ है संवाद के बारे में, तो देखते हैं क्या है संवाद। संवाद एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो इसलिए चला गया ताकि इन्वायरमेंट के प्रति जो सेंसिटिविटी है ना उसको प्रमोट किया जा सके, और आपस में एक तरीके जो आपसी लड़ाई है उसको छोड़ के हमें इन्वायरमेंट पे फोकस है वो करना चाहिए। तो इसलिए ये संवाद इनिशिएटिव है, वो ग्लोबल इनिशिएटिव है, वो चलाया गया है। और क्या है इसका मेन काम ही है कि देखो एक तो भाई जो भी ऑडियंस है, जो भी लोग हैं ना, उन सबको आपसी लड़ाई छोड़ के और इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील होना है। ऐसा नहीं है कि हम आपस में उधर उधर की बातों पर फोकस करें और इन्वायरमेंट ध्यान नहीं दें। तो इसलिए ये संवाद है, इनिशिएटिव है ग्लोबल, ये चला गया इन्वायरमेंट के प्रति, तो ये हमें ध्यान रखना है। यूपीएससी पूछ सकते हैं कि संवाद या कोई प्लेटफॉर्म है क्या है।
आगे देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है फेडबग्स के बारे में। तो क्या होते हैं फेडबग्स? देखो बात ऐसी है, जैसे कि इसको आप एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगी, जैसे कि वेस्ट जो ऑयल होता है इसके साथ में, जैसे हम किचन वगैरह में कुकिंग वगैरह काम करते हैं तो जो चिमनी वगैरह में जो ऑयल जम जाता है काला काला सा, वो ऑयल हुआ। तो ये ऑयल क्या है कि धीरे धीरे इस तरीके के सारे जो ऑयल या चिपचिपा पदार्थ होते हैं ना, ये क्या करते हैं सीवरेज में जाके जमा हो जाते हैं और एक सॉलिड सा चिपचिपा पदार्थ सा बनाते हैं, सॉलिड टाइप का। अब ये क्या है, एक तो ब्लॉकेट वगैरह कर देता है सीवरेज वगैरह को, इसके साथ ही काफ़ी सारी इसकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बट तो अभी हुआ क्या है, अभी साइंटिस्ट ने ये किया कि जो ये एक्चुअली फेडबग्स होते हैं, इनको फेडबग्स बोलते हैं, मतलब जो वेस्ट ऑयल हुआ या फिर कुकिंग ऑयल तरह की जो भी चिपचिपी चीज़ें होती हैं ना, फेट वाली चीज़ें, ये आपस में मिलकर एक सॉलिड सा बना लेती हैं, उसको बोलते हैं फेडबग्स। तो इसके द्वारा साइंटिस्टों ने ये देखा है कि भाई इससे भी वो बायोफ्यूल है, बायोडीजल है, वो बना सकते हैं। तो बायोडीजल बनाने के अंदर जो फेडबग्स है इनका यूज़ हो सकता है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो भी वेस्ट है इस तरीके का फेडबग्स वाला, उसको यूज़ हो क्या सकेगा। तो इसको लेके ये चीज धारणा है कि बायोडीजल है वो बनाने में फेडबग्स का यूज है, वो भी हो सकता है। अब बनाने की क्या प्रोसीजर है वो हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना हमारे लिए काम का नहीं है। आगे देखते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो आया है वर्षाधारी प्रोजेक्ट के बारे में। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने चलाया है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का प्रावधान ये किया गया है कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, क्लाउड सीडिंग पे फोकस करेगी, क्लाउड सीडिंग के थ्रू फ्यूरी वर्षा है वो करवाएगी, मतलब आर्टिफिशियल रेन को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि कर्नाटका वाले एरिए में बारिश है वो काफ़ी कम होती है। इवन कर्नाटका का एग्जाम्पल ही नहीं, हमारे देश के काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बारिश है वो काफ़ी इनरेगुलर होती है और बारिश नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ वाले एरिया में गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई आर्टिफिशियल रेन है वो करवाई जाए। तो इसीलिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो वर्षाधारी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करने की बात की। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, केवल बातचीत थी तभी ये आर्टिकल है वो आया था वर्षा को प्रमोट करने के लिए। तो देखो क्लाउड सीडिंग होता क्या है, क्लाउड सीडिंग देखो हमें पहले तो ये बताना चाहिए कि बारिश होती किस तरीके, बारिश इस तरीके से होती है, एटमोसफेयर में जो ह्यूमिडिटी या जलवाष्प की बूंदें होती हैं वो क्या होती है, ठंडी होती हैं तो वो पानी में बदल जाती हैं। अब वो जो ही जलवाष्प में पानी में बदल रही हैं तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे जो आसपास की बूंदों को कनेक्ट कर लेंगी और बड़ी बूंद बन जाएगी। आपको पता है कि बड़ी बूंद बनेगी तो हेवी हो जाएगी, तो धीरे धीरे आके जमीन पर आएगी। तो इस तरीके से होती है बारिश, ये होती है मेनली बारिश की प्रोसीजर। अब देखो बात ऐसी है कि जो बारिश, हमारा जो वातावरण है एटमोसफेयर है, इसमें ह्यूमिडिटी तो होती ही होती है, अगर उस ह्यूमिडिटी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो बारिश हो जाएगी, मतलब कॉन्सेप्ट ही है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, हमारे जो पर्यावरण है मतलब एटमोसफेयर है, उसके अंदर सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस है या फिर लिक्विड प्रोपेन है, इसका किसी स्पेस क्राफ्ट द्वारा अगर छिड़काव कर दें तो क्या होगा, ये जो तीनों चार जो है ना मतलब एलिमेंट्स, ये करेंगे कि जो जलवाष्प की बूंदें हैं इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और जलवाष्प में मतलब पानी की बूंदों में बदल के अर्थ के नीचे बारिश है वो करते हैं। तो ऐसे ही जो क्लाउड सीडिंग की प्रोसीजर है वो होती है कंप्लीट। तो वो मैंने आपको बता दिया, और ये प्रोजेक्ट ध्यान रखना कि वर्षाधारी प्रोजेक्ट है वो कर्नाटक गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में। तो यहाँ पे दो तीन डे हैं, कौन कौन से डे हैं, क्योंकि यूपीएससी इनके बारे में पूछ लेती है। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री है वो है इसके लिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा अवेयरनेस वगैरह चाहिए बताई जाती है लोगों की, भाई फॉसिल फ्यूल का यूज़ मत करो, बायोफ्यूल को बायोफ्यूल है उसके ऊपर फोकस वगैरह करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा दो तीन और होते हैं वो डे हम याद रख लें। एक तो आता है इंटरनेशनल वाटर डे। इंटरनेशनल वाटर डे वो आता है हर साल 22 मार्च को, अभी रिसेंटली गया, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। इसके बाद में आता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे है वो आता है हर साल 5 जून को, 3 जून को यूपीएससी का पेपर है, 5 जून को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे आता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, वो आता है हर साल 22 मई को। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट देखो डे वगैरह होते हैं ना, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि इन पे यूपीएससी क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली पूछ लेती है, इसलिए हमें काफ़ी इनके प्रति संवेदनशील या सतर्कता वो रहना है। अगला जो आर्टिकल हुआ है अर्थ ओवरशूट डे के बारे में। अर्थ ओवरशूट डे क्या है, अर्थ ओवरशूट डे इसे हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कब होता है, ये है हर साल देखो ये वेरी करता है, कोई फिक्स नहीं है, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लास्ट ईयर था 2017 का, वो था 2 अगस्त को। अब देखो बात ऐसी है, अर्थ कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है, जैसे फसल वगैरह कुछ, तो उनको क्या करता है ह्यूमन उन रिसोर्सेज को यूज़ करता है। उसके बाद ह्यूमन क्या करता है, वेस्ट वगैरह कचरा वगैरह फैलाता है, और इसके अलावा वो कचरा है फिर धीरे धीरे वापस वो रिसाइकल होता है, कन्वर्ट होता है, और उसको अर्थ वापस मतलब चीज़ों में कन्वर्ट करती है। तो एक तरीके से साइकिल बना, साइकिल सा वो चलता रहता है। अब देखो बात ऐसी है, आपको पता है कि जैसे कोई भी ह्यूमन ने वेस्ट जनरेट किया, ऐसा तो नहीं कि वो वेस्ट है वो आज जनरेट किया और कल का कल ही है वो अर्थ उसको रिसाइकिल कर देगी वापस ह्यूमन को दे देगी, ये तो पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अर्थ को भी कुछ टाइम लगता है उसको रिसाइकिल या रीजनरेट करने में। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होती है इसमें एक फिक्स टाइम होता है, जैसे कि आज वेस्ट डला तो कम से कम वो 5-6 महीने या 1-1.5 साल बाद वो वापस कन्वर्ट हो रहा है। बट अगर आप ये देखो कि अगर ह्यूमन है वो अर्थ से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने लग जाएगा, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च कर रहा है और अर्थ उसको रीजनरेट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ को अपने पास से जो रिसोर्सेज हैं वो देने होंगे।
तो मतलब अर्थ की कैपेसिटी वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो उस कैपेसिटी के आंकलन के आधार पर ये अर्थ ओवरशूट डे ये हर साल मनाया जाता है कि भाई इस साल की हमारी लिमिट थी कि इतना पोल्यूशन हम कर सकते हैं, मतलब इतना हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा सकते हैं, बट हमने वो लिमिट है वो इस दिन क्रॉस कर दी है। तो मतलब बात यह है कि पिछले साल हमने 2 अगस्त को हमारी जो अर्थ को रिसोर्सेज को यूज़ करने की लिमिट थी वो हमने क्रॉस कर दी थी। हर साल ऐसे ये डे है वो जो जितना हम सॉरी जितना हम यूज़ करते हैं उसके आधार पर डे है वो रखा जाता है। इसके बाद बाकी अगर जैसे कि 2 अगस्त के बाद हम दिसंबर तक जितना यूज़ कर रहे थे रिसोर्सेज को वो मतलब हम अर्थ को एक्सप्लोइट कर रहे थे। तो इस तरीके से ये समझने के लिए आपको कंप्लीट मैंने बता दी है, मतलब अर्थ की लिमिट है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि अर्थ उतना जनरेट तो कर नहीं पा रही है और हम यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सारा वो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। मतलब साफ है कि रीजनरेटिंग प्रोसेस है वो कम हो रही है और नेचुरल जो रिसोर्सेज डे हैं वो भी धीरे धीरे कम है वो होते जा रहे हैं। और इसी दिन नेचुरल रिसोर्सेज डे वो आता है। अब ये ध्यान रखना कि अर्थ और सूट डे है वो किसके द्वारा पॉइंट है वो किसके द्वारा मनाया जाता है वो देखना है। ये मनाया जाता है मैनली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इसके साथ ग्लोबल फूड प्रिंट नेटवर्क के द्वारा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इनकी रिप्लाई हो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका रिवीजन है वो भी होता रहेगा और आपका जो आपने जो पीछे लेक्चर्स देखे हैं या उनका आपको कितना याद रहा है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल है वो रहेंगे और आप इन चीज़ों को देखोगे। जैसे जब भी मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा तो आप ऑब्वियसली इसके बारे में अपने माइंड में स्टक करोगे या फिर पीछे जाकर आप रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज़ वो क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन वो बहुत पूछ रही है आजकल। आगे देखते हैं अगला जो आर्टिकल है वो है GESC के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अपील कमेटी के बारे में। बात ऐसी है कि देखो हमारे देश में GM क्रॉप्स होते हैं ना, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनका काफ़ी बड़ा इशू रहता है। एक साइड तो जो इन्वायरमेंट वाले हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं इन्वायरमेंट के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएंगी, जो ओरिजिनल स्पीसीज हैं उनको ओरिजिनल जो प्रजाति है उनका नुकसान हो रहा है। एक साइड है किसान कहते हैं कि नहीं भाई हमें इसकी जरूरत है। तो काफ़ी कॉन्ट्रावर्सी सी रहती है कि भाई इसका यूज़ किया जाए नहीं किया जाए। तो इसीलिए हमारे देश में कमेटी बनाई गई है जो कि GM क्रॉप से रिलेटेड जो सारे मुद्दे वगैरह हैं ये अप्रूवल देती है, यही डिसाइड वगैरह करती है, वो सारे काम किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अपील कमेटी के द्वारा। यह एक अपेक्स बॉडी है, यह चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है। और यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? यह आती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो यहां पे यह सारी चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है। मेनली आपको बता कि BT कॉटन वगैरह काफी इशू चल रहा था, इसीलिए यह आर्टिकल वो न्यूज में आया था। आगे देखते हैं अगली जो न्यूज है वो आया है कुब्यूकी डेजर्ट के बारे में। कुब्यूकी डेजर्ट है कहाँ पे? सबसे बड़ी बात लोकेशन, इसकी लोकेशन है वो मंगोलिया में। तो अभी इसको अंडरलाइन करके आप ऐसा कैसा दिमाग में फिट कर लो कि मंगोलिया के अंदर कुब्यूकी डेजर्ट है। क्यों न्यूज़ में? न्यूज़ में बात ऐसी है कि कुब्यूकी डेजर्ट में मंगोलिया में मतलब एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे जो फॉरेस्ट को क्या मतलब जो बोल सकते हैं डेजर्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम है वो चलाए गए हैं, मतलब डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम है वो वहाँ पर चलाए गए हैं बहुत बड़े लेवल पर। तो इसीलिए है न्यूज़ में। अब इससे भाई इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? मंगोलिया में चल रहा है, हमें इससे क्या लेन देना? हमें इससे ये लेन देना है कि हमारे देश में भी देखो डेजर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए हम भी जो मंगोलिया का जो एक कॉन्सेप्ट मंगोलिया ने जो यूज़ किया मेथड, इस मेथड का हम हमारे यहाँ पे यूज हो कर सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। अब बात ऐसी है कि वर्ल्ड के अंदर डेजर्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो बॉडी या कुछ ना कुछ होगा। हाँ जी बिल्कुल है, वो है UNCCD। क्या ये CCD? ये अब जो चाय पीने कॉफी वाला CCD नहीं है, यह है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब देख लेता मैं इसके बारे में भी। ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन नाम आ गया तो समझ गया कि UN से तो रिलेटेड है, मतलब UN के तो एजेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काम इसका यह है कि डेजर्ट के ऊपर लगाम लगाना है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे डेजर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये मत देखो कि इंडिया में ही डेजर्ट है, डेजर्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेजर्ट की बात हो आती है अफ्रीका में। आपको पता है कि सवाना के डेजर्ट बहुत है वहाँ पे। तो मैं लिए डेजर्ट के ऊपर लगाम लगाने के लिए ताकि डेजर्ट का विस्तार है जो मरुस्थल है उसका विस्तार है वो कम किया जा सके। और यह कब आया था? यह आया था मैंने रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि रियो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। रियो समिट के बारे में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर बताएं कि रियो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। देखो रियो कॉन्फ्रेंस के तहत एजेंडा 21 आया था। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 में ये प्रावधान किया गया था कि 21वीं सेंचुरी में हमें ये स्टेप उठाने हैं, ना कि वो 21 सूत्री कार्यक्रम नहीं थे यहाँ पे, 21वीं शताब्दी के लिए था कि भाई इसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स आएंगी हमें ये सारे काम है वो करने हैं। तो एजेंडा 21 है उसके तहत इसको UNCCD है इसको अनुमति मिली थी। 1996 में एक्टिव फॉर्म में आया था और ये लीगली बाइंडिंग है, डेजर्ट को कंट्रोल करने के लिए है काम है वो करता है। एक बार जिसने साइन कर दिया फिर उसको लीगली बाइंडिंग उसके लिए हो जाता है।
अब देखते हैं आगे हम क्योटो प्रोटोकॉल भी देख लेते हैं। यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, बहुत से हर महीने कोई ना कोई आर्टिकल आता ही रहता है ऑलमोस्ट। देखो क्योटो प्रोटोकॉल है, एक चीज़ सबसे पहले माइंड में ये ध्यान रखनी है, क्योटो प्रोटोकॉल मतलब ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है यूपीएससी का, यह बाइंडिंग है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग है और यह मैंने 1997 में एक्चुअली बनाया गया था और 2005 में एक्चुअली एक्टिव फॉर्म में ढंग से आया था। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल था वो आया था 2005 से 2012 में, ये आपको ध्यान रखना कि 2005 से 2012 के लिए इसको प्रावधान किया गया था। उसके बाद 2012 के बाद कुछ नया लाने की बात थी, बट 2012 के बाद देखा गया कि भाई और कुछ तो अभी नया नहीं आ रहा है, तो इसी को बाद में आगे एक्सटेंड कर दिया गया और इसको अभी 2012 से 2020 तक है, दोहा एग्रीमेंट हुआ था। ये ध्यान रखना है कि 2012 से 20 के अंदर क्या चला, दोहा एग्रीमेंट के तहत क्योटो प्रोटोकॉल ही भी चल रहा है, और 2020 के बाद आएगा वो आएगा पेरिस क्लाइमेट चेंज, क्योंकि भी पेरिस क्लाइमेट चेंज है वो प्रॉपर ढंग से एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इसलिए अभी वो बाइंडिंग नहीं है। क्योंकि बाइंडिंग इसलिए नहीं है वो, क्योंकि अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। तो आपको कई जगह आप देखते होंगे कि भाई जो पेरिस क्लाइमेट चेंज वो बाइंडिंग है, कई जगह आता है नॉन बाइंडिंग है, वो अभी इसीलिए क्योंकि अभी वो एक्टिव में नहीं है, तो उसको बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का इश्यू नहीं होता। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल तो कहेंगे बाइंडिंग इसलिए क्योंकि ये भाई लीगली फॉर्म में आ चुका है। ये सारी चीज़ हमें ध्यान रखना है। दोहा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, दोहा अमेंडमेंट का मतलब यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो लिमिट थी ना 2005 से 2012 की, इस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया था 2012 से 2020 तक, और 2020 के बाद आएगा हमारा पेरिस क्लाइमेट चेंज। वो सारी हमने चीजें देख ली हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल है वो आया था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में, आईएसए। कंटेक्स्ट ये था कि इंडियन ओशन में इंडिया को अनुमति मिली थी कि आप भाई जो सिल्वर है या गोल्ड वगैरह जो भी माइनिंग वगैरह मतलब जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना ओशियन की सरफेस में, उनकी आप माइनिंग वगैरह कर सकते हो कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ। ये सारा कंटेक्स्ट था, केवल इंडिया ही ऐसी कंट्री थी जिसको इस तरीके से आईएसए ने अनुमति है वो दी थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आईएसए ने किसको कौन सी कंट्री को अनुमति दी, तो भाई इंडिया को अनुमति वो दी है क्योंकि इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान भी जो ओशियंस वाले एरिया में नुकसान कम पहुँचा रहा है इसलिए। अब है क्या इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, यही है कि सी के जो रूल वगैरह है वो सारे काम करती हैं। इसको बनाया गया था मैंने जमैका में, बनाया गया था मैंने जमैका में, इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सी, UNCLOS, इसको यार डिफाइन करती है, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हो गया और जो सी ओशंस हो गए ना, इनके जो भी कानून वगैरह के भाई इस तरीके से काम वगैरह करना पूरे वर्ल्ड लेवल के, वो सारे कानून बनाए जाते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा। और जो मेनली मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, जो जैसे खनिज वगैरह जो पाए जाते हैं, उनके यूज़ करने के लिए भी पॉलिसी वगैरह बनाती है ताकि समुद्र को नुकसान वगैरह ना हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। UNCLOS भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, तो मतलब सी से रिलेटेड लॉ वगैरह बनाने का काम करता है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी। ये चीज हमने यहां पे डिस्कस कर ली। अब देखते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल हुआ है मंगोज के बारे में। क्या है मंगोज, मंगोज एक्चुअली एक तरह की स्पीसीज है, कैसा आपको बता दूं इसको, एक्चुअली नेवले टाइप की होता है, मतलब ऐसा कुछ है। हाँ ये आप देख लो, ऐसा होता है मंगोज। न्यूज़ में ऐसा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे देश का 1972 का, उसके पार्ट टू का जो शेड्यूल टू है ना, उसके तहत ये आता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और यह स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो मैंने PCS के लिए है, तो एक तो ये चीज़ तो यहाँ पे, इसके बाद में हमारे UPSC के लिए देखें तो एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब ध्यान से सुना इस स्टेटमेंट को, पहला स्टेटमेंट ये आता है यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो पार्ट फर्स्ट है ना, वो पार्ट फर्स्ट के जो भी उसमें जो भी स्पीसीज वगैरह आती है ना, वो सारी एक्चुअली कंप्लीट प्रोटेक्शन के अंतर्गत आती है। मतलब अगर उनका कुछ भी शिकार या कुछ भी अगर उनको हुआ, तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना, बहुत बड़ा फाइन है वो होगा। मतलब काफ़ी सारी उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, सबसे हाई लिमिट रिस्ट्रिक्शन उसी में होती है शेड्यूल फर्स्ट में। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शेड्यूल टू है ना, शेड्यूल टू में भी एक पार्ट टू है, उस शेड्यूल टू का जो पार्ट टू है ना स्पेशली, वो भी कंप्लीट प्रोटेक्शन में आता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि एक तो शेड्यूल फर्स्ट पूरा आता है कंप्लीट प्रोटेक्शन में, इसके साथ ही शेड्यूल टू का जो पार्ट टू है ना, वो भी कंप्लीट प्रोटेक्शन में आता है। कौन से स्पीसीज हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, गंगाटेक डॉल्फिन होगी, इसके साथ जो लेपर्ड होगा स्नो लेपर्ड होगा, इसके साथ जो बाकी बियर्स हो गए, या फिर जो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो वन डॉन हॉर्नो पाए जाते राइनो पाए जाते हैं, गेंडे वगैरह, वो भी इसमें शामिल है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कंप्लीट प्रोटेक्शन में कौन कौन से आते हैं। इसमें एक तो शेड्यूल फर्स्ट आता है और शेड्यूल सेकेंड का सेकेंड पार्ट आता है। चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो आई है ESIP के बारे में, इकोसिस्टम सर्विस इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। बात ऐसी है कि इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने इसको प्रोजेक्ट को साइन किया आगे कंटिन्यू रखने के लिए। क्या है यह प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो यही है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है ना,
इसकी हेल्प से जो भी इकोसिस्टम है इसको हमें मैनेज करके चलना है, और इसका नुकसान वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब इकोसिस्टम को आगे नुकसान नहीं पहुंचाते हुए हमें आगे कंटिन्यू बढ़ना है। तो इकोसिस्टम से रिलेटेड है, ताकि भाई बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना है, वाटर कंजर्वेशन, बाकी सारे जो पॉइंट्स आ जाते हैं वो सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे हम रिवाइज करें तो अगर पीछे के हम सारे एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने बैठ गए तो हमारा रिविजन वो हो नहीं पाएगा। इसलिए जो बेसिक बेसिक जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि रिविजन है वो हमारा अच्छे से हो जाए। देखते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल है यहाँ पे वो आता है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के बारे में, NAP, और इसके साथ ही आता है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, GIM। क्या है ये देख लेते हैं। देखो बात ऐसे है कि इंडिया में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, उसके तहत ये दो प्रोजेक्ट रहते हैं, नेशनल सॉरी इंडिया की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इसके दो पार्ट है। कौन कौन से? एक तो आता है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, एक आता है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अब बात ऐसी है, पहला क्या है इसको देखते हैं। पहला ये है कि नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम का मतलब ये है कि फॉरेस्ट है वो लगाने हैं, मतलब पेड़ पौधे लगाने हैं। पहला प्रोजेक्ट तो ये होगा NAP में। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि भाई जो पेड़ पौधे लगाने ही नहीं है उनका कंजर्वेशन भी करना है, और हमें इस तरीके से पेड़ पौधे लगाने हैं कि वातावरण का भी नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हम एक ही एक तरीके के पेड़ पौधे लगा दें, मतलब हमें बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना है, कंजर्वेशन भी फोकस करना है, प्राइवेट एरिया को भी आगे लेके आना है, सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। उसको वो आता है ग्रीन इंडिया, मतलब इंडिया को ग्रीन रखते हुए ये मिशन आगे कंटिन्यू रखना है। तो उसको लेके ये दोनों प्रोजेक्ट ध्यान रखना है, नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके तहत ही आते हैं। प्रावधान ये है कि हमारे देश में 33% एरिया में फॉरेस्ट है वो होने चाहिए। देखते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल आता है EPCA के बारे में, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में। कंटेक्स्ट है वो है दिल्ली NCR के बारे में, क्योंकि पोल्यूशन नाम आते ही आप दिल्ली NCR तुरंत समझ सकते हो कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम दिल्ली NCR में काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए है किस लिए कि एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड है ना उन सबको बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। स्टैंडर्ड की जो मॉनिटरिंग वगैरह वो सारे EPCA के द्वारा किए जाते हैं, तो उसको लेकर अथॉरिटी वगैरह बनाएगी है। देखते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल हुआ है नागर होल नेशनल पार्क के बारे में। नागर होल नेशनल पार्क है ना, ये देखो इनकी लोकेशन आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना वो तो UPSC पक्का पूछ लेती है। तो नागर होल नेशनल पार्क है वो आता है कर्नाटका में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उस। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये आज का, कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन से वाले एरिया में है, मतलब कौन कौन से स्टेट के अंदर फैला हुआ है। देखो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप इनको वीडियो को पॉज करके आप या तो इनको अलग से नोट डाउन करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर इनका आंसर हो आप अपने आप माइंड में जरूर क्लियर रखिएगा। तो यह नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ही पार्ट है और मेनली आता है कर्नाटका के अंतर्गत। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो आर्टिकल है वो आया है पेम्बुआ टाइगर रिजर्व के बारे में, सॉरी पलामाऊ टाइगर रिजर्व। पलामाऊ टाइगर रिजर्व ये आता है झारखंड में और यह एक पार्ट है बेतला नेशनल पार्क का, और बेतला नेशनल पार्क है वो भी आता है झारखंड में ही। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड में आता है, उसी का पार्ट है वो है पलामाऊ टाइगर रिजर्व, और इसी के साथ वहाँ पे एक पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है, पलामाऊ और मतलब बेतला आ गया तो उसका मतलब समझना कि भाई झारखंड वाले एरिया से रिलेटेड आई है। आगे देखते हैं, अगला जो आर्टिकल हुआ है NAFCC के बारे में, नेशनल एडोप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। कंटेक्स्ट ये था कि स्टेट और जो यूनियन टेरेटरीज है ना उनको फंड देना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे देखो काफ़ी सारे एरिया में क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स वो होती जा रही है। तो जो कुछ काफ़ी वल्नरेबल एरिया ना, जहाँ पे काफ़ी इन्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उस वाले एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे गवर्नमेंट फंड देगी, और उस वाले एरिया में इन्वायरमेंट के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी स्टेप हैं वो उठाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला वो आगे इससे बनेगा कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है। तो इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नाबार्ड। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि नाबार्ड है वो NAFCC को इम्प्लीमेंट है वो कर रही है। अगला आर्टिकल हुआ है समर के बारे में। क्या है समर? समर है सिस्टम फॉर एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। यह आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यह आता है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो आता है मेनली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल नहीं आता, यह आता है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर रखनी है। अब देखो बात ऐसी है, इसमें इश्यू आता है ब्लैक कार्बन का। क्या है समर प्रोजेक्ट वो देख लेते हैं पहले, कि जो ब्लैक कार्बन है ना उसको स्टडी करने के लिए समर प्रोजेक्ट है चलाया गया है। ब्लैक कार्बन क्या होता है? जैसे कि कोई भी जो फॉसिल फ्यूल होता है ना उसको अगर जब हम जलाते हैं ना तो कार्बन जो मतलब राख वगैरह बनती है, बट अगर हम जो भी कोई फॉसिल फ्यूल होता है अगर उसको आधा अधूरा जलाएं, मतलब उसको प्रॉपर ढंग से नहीं जलाएं, बीच में आधा अधूरा जला के छोड़ दें, तो उस टाइम पे जो बनता है ना कार्बन उसको बोलते हैं ब्लैक कार्बन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ब्लैक कार्बन क्या होता है? फॉसिल फ्यूल के जलने से बनता है, बट वो अध जलने से मतलब पूरा जलने से पहले की जो फॉसिल होते हैं उस टाइम पर ब्लैक कार्बन है वो बनना है। उसकी स्टडी करने, इसके साथ ही एयर पोल्यूशन और जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट पे, उन सबको स्टडी करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट का एक समर प्रोजेक्ट है वो आया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये सारा कंटेक्स्ट और सीन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है
यहाँ पे हमारा वो आता है इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन। तो इनक्रेडिबल इंडिया क्या है कैंपेन ही देख लेते हैं। 2.0 तो आप समझ गए कि भाई जैसे एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं उसी तरीके से वर्जन है। तो अब है क्या इसमें है कि वर्ल्ड जो टूरिज्म डे था ना इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने इसे लॉन्च किया था। तो सबसे पहला आपका जो आज का चौथा क्वेश्चन वो है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे वो कब है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर प्रेसिडेंट ने इसे लॉन्च किया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई गवर्नमेंट जैसे है कि क्या करेगी अडोप्ट हेरिटेज, मतलब कोई भी जो कंपनी या कुछ भी हो क्या एक हेरिटेज को अडोप्ट करेगी उसका सारा जो भी संरक्षण वगैरह का सारा काम उसके द्वारा किया जाएगा। ये आपको बताया कि अडोप्ट विलेज के भी काफी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए थे, वैसे ही हेरिटेज का प्रोग्राम चलाए ताकि जो हमारे हेरिटेज की साइट है उनका कंजर्वेशन भी हो सके और उन पर गवर्नमेंट को फोकस कर सके। तो अभी इसमें गवर्नमेंट ने सिटीज को डेवलप करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन है वो चला है ताकि उनके स्पिरिचुअल जो धार्मिक है उसके आधार पे भी या फिर आध्यात्मिक रूप से या फिर मेडिकल तरीके से उनको डेवलप है वो किया जा सके। जैसे कि वाराणसी हुआ, इसके साथ ही अजमेर राजस्थान में अजमेर पुष्कर हुआ, तो काफी जो सिटीज है ना अहमदाबाद वगैरह इन सबको वहां पर डेवलप किया जाएगा। या तो वो रिलीजियस मतलब सॉरी मेडिकल के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो या फिर कोई स्पिरिचुअल के नजरिए से या फिर किसी धर्म के नजरिए से जो सिटीज है उनको, जैसे कि रिथा स्कीम है और जो एक स्कीम और थी अभी नाम भूल गया उसका, हृदय स्कीम के अलावा भी एक तो और थी, तो वो उसी तरीके से तरीके इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन है वो चला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।